अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से रोज़े जा रहे होंगे। अभी अभी मैंने अपना एक ब्लॉग अपलोड किया है, बस यहाँ पे बैठ के ही अपलोड किया, तो मैंने कहा चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3:30, मतलब 3:30 बजे का। नमाज़ वगैरह सबसे हम फ्री हुए हैं, तो आज मैं इफ्तारी में बना रही हूँ रोल्स, चीज़ रोल्स। तो उसके लिए मुझे जो पट्टी होती है, मतलब जो रोल के लिए, वो भी खुद ही बनानी है, घर पे ही बनानी है। हमारे यहाँ रेडीमेड नहीं मिलती। मैं बहुत सारे लोगों की ना वीडियो देख चुकी हूँ जब उन्होंने रमज़ान प्रेपरेशन की थी, तब क्या हुआ था, वो लोग ना बाज़ार से लेकर आते हैं, वहाँ पे मिलती है शायद, हमारे यहाँ नहीं मिलती। इवन मुझे लगता है मार्केट में, मेन मार्केट में भी नहीं मिलती होगी, तो घर पे ही बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले मुझे मैदा वगैरह गूंद के रखना पड़ेगा, वो सब करके। तो आज हस्बैंड की डिमांड है कि चीज़ रोल्स बनाए जाएं। जो भी मेरे पास घर में सामान पड़ा है मैं वही यूज़ करूँगी, एक्स्ट्रा मैं बाहर से कुछ नहीं मंगवा रही। जो भी है उसी से मैं काम चला लेती हूँ, आपको पता ही है जो चीज़ें मेरे पास है मैं उनसे ही कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चीज़ रोल्स, और उसमें मैं आलू डालूँगी, शिमला मिर्च डालूँगी, प्याज डालूँगी और चीज़ डालूँगी। बस ये चार चीज़ें होंगी, बाकी छोटे मोटे मसाले तो होंगे ही, और पिज़्ज़ा पॉकेट्स भी बनाऊंगी किसी दिन। लेकिन मुझे कॉर्न मिल जाए, बस कॉर्न मिल जाए। मैं तो आपको बताया मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रही इन दिनों में, मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा रही। तो किसी दिन बाहर निकलना हुआ, एक काम है बहुत ज़रूरी, उसके लिए जाना है, तो अगर आज शाम को पॉसिबल हुआ तो फिर मैं आज ही कॉर्न ले आऊँगी। तो मेरे प्लांट्स कैसे लग रहे हैं पीछे? मुझे सबने कहा कि यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कौर जी ने मुझे सजेशन दी थी कि आप डोर में लगा दें। डोर में कैसे लगा दूँ? मेरे छोटे बच्चे हैं ना, ये जो छोटा ना, ये डोर से निकलते निकलते हाथ मारेगा और तोड़ देगा, इस चीज़ का डर है मुझे। तो खैर, डोर में मैंने मनी प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट तो हो गया है, मैं भी कितनी वो हूँ ना, बस स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बनाती हूँ चीज़ रोल्स, रेसिपी आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, अगर मेरी ही रेसिपी चाहिए, मतलब वो जुगाड़ वाली, कि जुगाड़ कैसे लगाती हूँ मैं, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। क्योंकि रेसिपी शेयर करूँगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, बीच बीच में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है जी? बीच बीच में मैं जैसे आपको ओवरव्यू देती हूँ ना, वो दे दूँगी, ठीक है? अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, बहुत बातें होंगी, अब चलते हैं आपके साथ, करते हैं किचन में बातें, ठीक है जी? चलिए, पहले मैं कटिंग, जो चॉपिंग वगैरह करनी है ना, वो करूँगी, क्योंकि उसमें बड़ा टाइम लगता है और वो पहले से की हो तो अच्छा लगता है। तो आज स्प्रिंग रोल्स कह लें या चीज़ रोल्स कह लें, और वो, और साथ में चना चाट, दो चीज़ें हो गई। और आज हस्बैंड को थोड़ा सा ना स्पेशल फील कराना है, इसलिए कुछ वजह है। तो चलिए मिलते हैं फिर। सब्ज़ी मैंने कट कर ली है, उसके बाद मैंने आटा भी, ये जो है ना, ये भी लगा रही हूँ अभी बस। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी फिर रोल्स। अभी हीटर पे कुछ था इसलिए मैंने सब्ज़ी वाला नहीं काम किया, मैंने कहा चलो ये आटा गूंद के रख लेती हूँ थोड़ी देर, इसको रेस्ट भी चाहिए। तो ये मैं ऐसे 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 करके कर रही हूँ। मैंने जो रोल शीट्स बनाई थी ना, वो मैंने 6 बनाई थी और एक के ऊपर एक तय लगाकर बनाई थी। वैसे तो बैटर से भी बनाई जा सकती है, मैंने एक चैनल पे देखी थी, लेकिन वो मुझे ट्राई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मैंने कहा अगर ख़राब हो गया तो इसलिए, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर उसको भी ट्राई करूँगी। ये तो मैंने पहले भी बहुत बार किया है ना इस तरह से शीट्स बनाने का, कि तय लगाते जाओ और ऑयल बीच में लगाते जाओ और फिर इनको बेलकर थोड़ा सा हल्का हल्का सा सेकना होता है, तो उसके बाद ये शीट्स अपने आप अलग हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल या घी लगाया होता है, तो इस तरह से ये शीट्स जो हैं अलग हो जाती हैं। तो साइड के किनारे जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उधर हम प्रेशर नहीं लगाते ना, क्योंकि बाद में खुलने का भी रहता है कि वो खुलते टाइम फट जाएंगी, इसलिए बाहर की साइड जो किनारा जो होता है ना वो थोड़ा सा मोटा रहता है और उसको हम काट लेते हैं, और बीच वाला जो है वो हमारे काम आने वाली चीज़ है। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा हो तो वो थोड़ी सी आसपास से फटी हुई शीट हो उससे भी काम चला लेता है। तो मैंने बहुत आराम से, थोड़ी सी फट गई थी शीट, लेकिन फिर भी मैंने बहुत आराम से रोल्स बना लिए थे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए
रोल्स हमारे जो मैंने इन्हीं शीट से बनाए हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, और बस जो एडजस्टमेंट है वो मैंने ध्यान से की है थोड़ी सी, तो रोल हमारे बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो गए हैं। बस इनको करेंगे थोड़ी देर में फ्राई। हालत बहुत ख़राब हो गई है काफ़ी टाइम से, और मेरे से अभी तक 6 रोल बने हैं, तो मैंने 6 ही बनाए हैं। और एक आहद असद, मैं उसके पापा, उसकी दादी और उसकी चाची, क्योंकि दादू और उसकी चाचू ये सब चीज़ें नहीं खाते, तो इसलिए 6 रोल काफ़ी हैं। दादी मतलब 4, और दादी और आहद चाची। तो ये मेरा शिक्षक गंदी हरकत करता है, ये बैड बैड मैनर्स, बैड बॉय। तो शरारती बच्चा चला गया उधर रूम में खेलने के लिए, तो हमारे 6 रोल बने हैं। अभी किचन की यही हालत है अभी, तो इतनी अभी कुछ और बनाऊंगी, क्या बनाती हूँ वो देखते हैं। चना चाट कह रहे हैं हस्बैंड, दही वाली चाट जो मैं बनाती हूँ अक्सर, वो वाली कह रहे हैं वो बनेगी, और बाकी देखते हैं। जो मैंने पापड़ी बनाई थी उसमें से यही बची है, अब ये यूज़ करूँगी। और फिर ना जो मैदा मैंने इनके लिए लगाया था ना वो बचा है, उससे मैं थोड़ी सी पापड़ी बना लूँगी। ये जनाब बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं, चलिए पता करते हैं, और पता करके आते हैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ कर। ज़रा पता करके आते हैं क्या कर रहे हैं, और किचन का सूरत हाल बोलने की आदत हो गई है। तो क्या है यहाँ पे, मैंने चटनी मीठी, खट्टी मीठी, ग्रीन वाली, आलू, दही और ये पापड़ी रख ली है। उसके बाद यहाँ पे है चने जो बॉयल्ड थे पहले से ही, ये बॉयल करके मैंने रखे थे, लेकिन इनको थोड़ा सा गर्म करना था, थोड़ा सा नरम करना था। तो ये था किचन का हाल, मैंने आपको दिखा दिया ये सब। तो अब चलते हैं बाहर कि ये क्या कर रहे हैं, पता करके आते। जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा तो आप सोलर लाइट लेकर आए हो, चार्जिंग के लिए रखी है भाई धूप के सामने। इधर हमारे इधर एक कुदरती क्या बोलते हैं टमाटर का पौधा उग गया है, लेकिन खलारा बहुत पड़ा हुआ है। झाड़ू, बैट, बॉल इस तरफ। अभी तो कच्चे हैं टमाटर, लेकिन हैं बहुत सारे। फास्ट ही कर रहे थे बस, वो कुछ सोलर लाइट्स लेकर आए थे बाहर वहाँ लगाने के लिए, तो वो देखो उनसे जो पता नहीं क्या लाए हैं जो मेरे से छुपा छुपा के देख रहे हैं। तो बस कुछ नहीं, वहाँ पे वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है भाई, हमारे पापा होते हैं वहाँ पे, हम नहीं ब्लॉग बना सकते, पापा के सामने शर्म आती है बस। वो सोचेंगे फ़ोन पे बात कर रही है, किससे बात कर रही है, फ़ोन से बातें कर रही है, तो इसलिए मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाई। तो बच्चों ने हल्ला किया हुआ अंदर। अच्छा अभी करती हूँ भाई का इलाज। रोल्स तो मैंने बनाए थे, लेकिन ये फ्राई मेरे हस्बैंड ने किया और उन्होंने जला दिए हैं, और इन्होंने मतलब ओवर कुक हो गए हैं उनसे। हमारा रोज़ा इफ्तार हो गया और हम आ गए हैं बाहर थोड़ी सी हवा लेने के लिए। तो यहाँ पे लगाई है लाइट्स आहद के पापा ने, ये हैं सोलर लाइट्स, पहले इन्होंने चार्जिंग पे लगाई थी, अभी यहाँ पे लगा दी हैं। तो अच्छी लग रही है वैसे, पर पूरी हो तो फिर अच्छी लगती है। सारे इस साइड असद फोनी, ये जो पार्ट्स जो हैं दीवार के यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, कितने हैं उतनी लाइट लगा दो, अच्छी लगेंगी वैसे। तो ये है लाइट्स, क्या ज़बरदस्त किस्म की लुक लग रही है इन लाइट्स से, है ना। असद कहाँ गया, चला गया देखा उधर, अब वो उधर चला गया, अब सोएगा भी उधर ही, फिर नखरे मारेगा रात को। नहीं गाड़ी के पीछे है, इधर इधर ऑल्टो के पीछे। मोर बोल रहे हैं, हाँ जी वो शूज़ पहनने गया था। असल शूज़ पहनने गया था पापा के लिए, वो चाट ले आओ। कहाँ गया, मैं ले आती हूँ, मैं उसमें और डाल के लाती हूँ, और डाल दूँ। चलो मैं लेकर आती हूँ, मुझे भी खाने का मन हो रहा है। एक लाइट है ख़राब, तो इसको देखेंगे कल, चेक करेंगे क्या फॉल्ट है इसमें, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन ये ख़रीदी है, तो इसको खोलना पड़ेगा।
इफ्तार के बाद जब मैं चाट बनाती हूँ ना, तो हस्बैंड लास्ट में ज़रूर खाते हैं उसको, मतलब जो बच जाए ना वो हम दोनों खा लेते हैं। तो आज भी ऐसा ही है, चाट बची हुई है, तो हम लोग खाएंगे इसको, करेंगे इंजॉय। और आज का ब्लॉग मैं रखूँगी यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।